हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीटेट का एग्जाम नजदीक आ रहा है। उसी के साथ साथ जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं, हर एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट की पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, और आज हम हिंदी की पैडागोजी को शुरू कर रहे हैं। हालांकि एक बार पहले भी पैडागोजी करवाई थी हिंदी की, जिसके लेक्चर्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन आज से मैं दोबारा इसको शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर इसमें 9 है। हिंदी की पैडागोजी में हमारी जो बुकलेट से आमतौर पर जो जिसको से, जो सिलेबस सीटेट देता है या टीचिंग एग्जाम देते हैं, उसके टोटल मिलाकर 9 लेक्चर बनते हैं। और 9 के 9 लेक्चर पहले तो इस बुकलेट्स में देख सकते हैं। शुरू में पूरे का पूरा लेक्चर को डिफाइन किया जाता है, और उसके बाद जैसे यहाँ पर हम पेज नंबर 5 पे हैं अभी, और पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो पूरे 4 पेज इसके चैप्टर के हैं। उसके बाद अगला चैप्टर में भी पहले आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, कंप्लीट चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, और जो कंप्लीट मटेरियल आप मंगवाते हैं उसमें सभी सब्जेक्टों के पैडागोजी के अलग अलग बुक्स प्रिंटिंग होती हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में एक अंतर होता है जिसकी वजह से यह दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें, देखते हैं कितने बच्चों के क्वेश्चन ठीक निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? लिखना पढ़ने से पहले सीखना चाहिए, ये जो विचार है ये लेडी मोंटेसरी का है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, यह उद्देश्य किसके लिए है? प्राथमिक सत्र के छात्रों के लिए यह उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन बताना है, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन होता है सुनना, बोलना, पढ़ना या अनुकरण करना। तो यहां आपका आंसर है अनुकरण करना। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है, कौन सा पक्ष प्रबल है? सुनना था पढ़ना, केवल सुनना, केवल पढ़ना या फिर केवल लिखना, सुनना और वह पढ़ना दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या होता है? वो प्रभावपूर्ण परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सभी छात्रों में सीखने की अक्षमता होती है, सभी छात्रों में सीखने की अक्षमता भिन्न भिन्न होती है, सभी छात्र अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है, सर्वप्रथम प्रयोग किसका होता है? भाषा समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान व्यवहार में संशोधन करने की प्रक्रिया है, क्या व्यवहार में संशोधन करने की प्रक्रिया है? अधिग्रहण जो है वो व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर होते हैं, अधिकतर कैसे होते हैं? नंबर 1, समान रूप से ग्रहण करने वाले, देर से ग्रहण करने वाले, जल्दी ग्रहण करने वाले। मानसिक रूप से परिपक्व है जो मैच्योर होगा वो जल्दी ग्रहण करेगा, चीजों को समझेगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, कौन सी भाषा इनमें से प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली होगी? राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा। प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि बच्चे उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं आराम से, क्योंकि घर में, परिवार में, माहौल में, समाज में वही सब चलता है। क्वेश्चन नंबर 12, अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया, अभ्यास के नियम को अधिगम का नियम किसने स्वीकार किया? थार्नडाइक ने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? भाषा के ज्ञान में विकास करता है, ये तो है, भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को आप लोग क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को आप लोग अधिग्रहण का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने में संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने प्रतिपादन किया था? पावलाव ने। किसने प्रतिपादन किया था? पावलाव ने यह प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, ये आज के
15 क्वेश्चन थे फर्स्ट लेक्चर के, कल हम सेकंड लेक्चर करेंगे। और अगर आपको जल्दी चाहिए या फिर आपको मटेरियल चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया हमारा 8447410108, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी डाउनलोड कर सकते हैं। Yeah.